गिरती है, बेनिफिट ये है इसकी लेबर बचती है। जैसे अपने फार्म पे गारा बना रहता है ना, अगर कच्चा होता है गारे की जगह पे बैठना मुश्किल हो जाता है एनिमल को, वो चीज यहाँ पे नहीं होती, क्यूबिकल में सफाई रहती है थोड़ी। और दूसरा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे मेरे वीर भैन भरावां नूं बाई जी सत श्री अकाल नमस्कार। वीर जी, जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज क्यूबिकल के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है क्यूबिकल के बारे में बताओ आप। क्यूबिकल के काफ़ी नुकसान भी है, काफ़ी बेनिफिट भी है। बेनिफिट तो ये है कि आपके एनिमल घर में नहीं बैठेंगे, सूखे में बैठते हैं, ये मेन है। और एक आप सफाई वगैरह गोबर वगैरह स्क्रैपर से खींच सकते हो, लेबर की कम लेबर की बचत हो जाती है। और आपको जगह कम जगह में ज़्यादा एनिमल आपके आ सकते हैं। क्यूबिकल के बेनिफिट तो ये है। जैसे हमारे ये क्यूबिकल लगे हुए हैं, ये सेकंड हैंड बाय किए थे मैंने, ये 1200 का एक बाय किया था। ये पाइप प्रॉपर डायमेंशन से बेंड किया होता है, ये कंपनी वाले बना बख्शीश वाले बनाते हैं, एक दो कंपनी और बनाती हैं। ये पंजाब में अब PDFA का मेला है, वहाँ पे स्टॉल पे आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसकी हाइट वगैरह हमने 4 फुट यहाँ से लेके ऊपर को, यहाँ हाइट इसकी 4 फीट रखी हुई है हमने, 4 फीट इसकी हाइट है। और यहाँ से इसकी लेंथ है, यहाँ से लगाने के बाद यहाँ से इसकी पाइप लगा दी, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई बैठने तक, मतलब गाय को ऊपर बाहर करें, ये 6 फीट की है, 6 फीट की ये लंबाई होगी इसकी। और यहाँ पे हमने जगह देनी है इसको 2 फीट आगे, लभी बैठने के लिए इसका फेस आगे निकल जाता है गाय का, 2 फीट आगे जगह दे दी, 8 फीट जगह एक क्यूबिकल की होगी। ऐसे इसके अपोजिट में हमने क्यूबिकल लगाया, 8 फीट जगह वो होगी, जो बीच में दोनों क्यूबिकल के बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है बीच में, ये वाला डिफरेंस आता है 4 फीट हमारे यहाँ पे, ये वाला जो बीच का डिफरेंस है। और अगर एक गाय बैठने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये गाय इसमें बैठने के लिए, ये वाला एक क्यूबिकल से दूसरी पाइप के जो बीच में गाय बैठेगी, ये डिफरेंस है आपका 4 फीट, ये आपका 4 फीट डिफरेंस है। मेरे पास एक फोटो है इसकी, वो मैं आपको इसमें डिस्प्ले कर दूंगा मूवी में, इसके लिए वो आप चेक कर लेना, इसकी प्रॉपर डायमेंशन है। थोड़ा थोड़ा मेरी क्यूबिकल की डायमेंशन में प्रॉब्लम आती है। अगर आपने क्यूबिकल लगाने हैं, एक बात का ध्यान रखना है, आपने प्रॉपर डायमेंशन लगानी है, कम ज़्यादा नहीं रखना, जितना जगह है बोली है क्यूबिकल उतनी जगह छोड़नी है, फिर गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं गाय को प्रॉब्लम आती है। जैसे आप बैठती हैं, यहाँ इतनी जगह दी है हमने गाय को, गोबर नीचे होता है, थोड़ा सा और हो सकता है, अभी आप यहाँ पे 4 फीट जगह है, यहाँ पे 1/2 फीट कम कर सकते हो, ये आपका चल सकता है इसमें, ये प्रॉपर डायमेंशन है जो हमने इस क्यूबिकल में यूज़ की है। अब क्यूबिकल का नुकसान बता देता हूँ, जो ये हमने जो कंक्रीट का ये फर्श लगाया है नीचे, ये वाला इसे स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको अगर लगाना है तो ये स्लिपरी नहीं होना चाहिए आपका, ये ऐसा लगना चाहिए लभी इसमें गाय स्लिप ना करे। एक गाय मेरी बैठी हुई है, उसका चोट लग गई उसको, एक की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी, उसको भी यही चोट लगी थी, ये मेन प्रॉब्लम है। जब गाय हीट में आती है, क्यूबिकल का एक ही प्रॉब्लम है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यूबिकल का, जब गाय हीट पे आती है ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, क्यों जगह इतनी होती है जितना हम ये गोबर कर दें, इसे जगह अगर खुला कच्चे में छोड़ दें तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब पक्की जगह पे है, जब एक दूसरे के ऊपर गाय चढ़ेगी तो बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्यों गाय अगर ऐसे टांग फिसल गई, दोनों तरफ चलेगी टांग, गाय फिर उठ नहीं पाएगी, समझ लो अगर कोई चीज़ टूट गई, हड्डी टूट गई, पीछे वाली टांग का पट टूट गया, तो वो ठीक नहीं हो पाती गाय। बस ज़्यादा तो हीट में आई होती है जब गाय, तभी प्रॉब्लम आती है क्यूबिकल में एक दूसरे के ऊपर। एक तो इसका यही है सोल्यूशन कि उनको गायों को बाहर बांध दो, फिर कोई चोट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है एनिमल के। अगर हम गाय को ये प्रॉब्लम है, गाय को बार बांध देते हैं, फिर गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादातर, ये चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब हीट में आती है बार, जहाँ कंक्रीट ऐसे लगाओ कि उस वहाँ पे पैर ना फिसले, वो उसको ज़्यादा प्लेन मत रखो, उसका ध्यान ऐसे रखो कि लभी वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, उसको फिसले ना उसका पैर, बस कंक्रीट ऐसा लगाना चाहिए पैर ना फिसले, वो अपना दिमाग लगा के कैसे मर्जी लगा लो। बेनिफिट इसके इतने हैं लभी, एक तो गायें सर्दी में भी गारे में नहीं बैठती, रेता कम यूज़ होता है, मिट्टी हमको आजकल अवेलेबल बहुत कम मिलती है,
जो एक बार डाल दिया वही रहता, बहुत टाइम के बाद दोबारा डालना पड़ता है इसमें। और मैली नहीं होती गाय, नहलाने की ज़रूरत नहीं है डेली डेली गाय को, तो क्यों गोबर के तो ऊपर बैठना ही नहीं गाय ने, गाय ने तो बैठना है क्यूबिकल के बीच में, तो गोबर भी बाहर करना है पीछे करना है, गोबर सीधी बैठेगी गाय। मैंने देखा है जितने एनिमल है एक दिन में प्रॉब्लम आती है, एनिमल एक दिन में सही बैठने लग जाता है उसमें, फिर डेली यूज टू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्यूबिकल की। बाकी क्यूबिकल की हीट के वक्त ही प्रॉब्लम है और बाकी सब बेनिफिट ही है क्यूबिकल के, हीट के वक्त क्यूबिकल की ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक बड़े एनिमल होते हैं जो ज़्यादा बड़े एनिमल होते हैं जिसकी हाइट, जैसे ये गायें हैं, इनको अगर हम कच्चे में बाहर रखेंगे तो मेरे हिसाब से क्यूबिकल से ज़्यादा दूध कच्चे में देगी ये गायें, इतनी बड़ी हाइट वगैरह भी ज़्यादा है, लंबी भी बहुत है गायें। जो ज़्यादा बड़ी गायें हैं उनको क्यूबिकल रखने से, तो आप कच्चे में रख लो, अगर जैसे ये दिन वाले मेरे बड़े एनिमल हैं इनके लिए ये कच्ची जगह है, ये आज मैं यहाँ पे खुले छोड़ूंगा, अभी या दिन में खुले भी बैठ सकते हैं बाहर ज़्यादा नहीं। तो हाई जील्ड एनिमल है, हाई जील्ड एनिमल के लिए कच्ची जगह बहुत ज़रूरी है, ये आप जे आपके पास 45 प्लस एनिमल हैं तो उसके लिए आप कच्ची जगह ज़रूर रखो। ये तो होगा क्यूबिकल के लिए। अब ये एक बात, हाँ जी वीर जी, एक तो आज की वीडियो में हमने क्यूबिकल के बारे में बताया आपको, भी क्यूबिकल के बेनिफिट भी हैं, थोड़े नुकसान भी, नुकसान तो इतने ही आए कि ये स्लिपरी हो जाता है गिरती है, बेनिफिट ये हैं इसकी लेबर बचती है। जैसे अपने फार्म पे गारा बना रहता है ना, अगर कच्चा होता है गारे की जगह पे बैठना मुश्किल हो जाता है एनिमल को, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती, क्यूबिकल में सफाई रहती है थोड़ी। अब मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।